नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कहते हैं कि हिम्मत करने वाले इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पार निकलना आसान हो जाता है। ऐसे ही एक हिम्मत से भरी महिला ने कर दिखाया। आज उनकी उम्र बेशक अपनी उम्र से 60 वर्ष से ज़्यादा पूरी कर चुकी है, लेकिन फिर भी उनमें जुनून व जज्बा 21 का है। उन्होंने इस उम्र के पड़ाव में भी कई मेडल जीते। हालांकि ज़िंदगी कुछ समय के लिए बेशक कैंसर जैसी बीमारी से एक बार रोक दी थी, लेकिन हार नहीं मानी, डट करके मुकाबला किया और आखिरकार कैंसर को भी मात दे दी। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज बाला की, जिसका जन्म 1956 ईस्वी में दादरी जिले की झुंझुनू कला में हुआ। उनके पिता अध्यापक थे, उन्होंने 9वीं और 10वीं से ही खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे वॉलीबॉल व कबड्डी खेलती थी। इस दौरान उन्होंने खूब मेडल जीते और फिर वे एक अध्यापक बन गई, सरकारी सेवा में काम किया। जिसके पास पति होशियार सिंह जैसे जीवन साथी के रूप में मिले और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाया, और यही वजह रही कि राजबाला ने अपने खेलने के शौक को कभी नहीं त्यागा। पति बैंक में नौकरी करते थे, हमेशा साथ दिया और राजबाला मेडल पर मेडल बटोरती रही। बाद में जब टीम में खेल उन्हें ठीक नहीं लगने लगा तो उन्होंने एक फैसला लिया, शॉर्ट पुट, हैमर और डिस्कस थ्रो खेलने लगी। स्कूल जाने से पहले सुबह सवेरे ही खेलने के लिए स्टेडियम जाती और बाद में शाम को स्कूल आने के बाद फिर से अपनी स्कूटी पर सवार होकर के स्टेडियम पहुंच जाती। खूब खेलना, खूब दौड़ना। अक्टूबर 1998 में 10वें एशियाई वेंटेंस एथलीट्स चैंपियनशिप में भाग लिया। खेलने के लिए जापान के ओकिनावा तक पहुंच गए। यहां पर उन्होंने हैमर थ्रो में रिकॉर्ड कायम किया, डिस्कस थ्रो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वहीं शॉटपुट में तीसरा स्थान प्राप्त किया और एक साथ 3 मेडल भी जीते। 1999 में हुए 13वें वर्ल्ड वेंटेंस एथलीट्स चैंपियनशिप गेटसेट इंग्लैंड में हुए और वहां पर उन्होंने भाग लिया, वहां से भी मेडल जीत करके वापस लौटी। उसके बाद 2004 तक उनका खेलों में मेडल जीतने का सिलसिला जारी रहा और न जाने कितने ही मेडल वो जीत करके प्रदेश का नाम रोशन कर गई। लेकिन अचानक एक बार राजबाला का जीवन तब रुक गया जब 2008 और 9 में उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें कैंसर है। फिर कैंसर के बाद एक बार जीवन मानो रुक गया। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, लेकिन इतनी हिम्मत करने वाली हिम्मत नहीं हार पाए और कैंसर से लगातार लड़ती रही। आखिरकार कैंसर से भी निजात पा ली और आज तक वे लगातार खेल रही हैं। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन खेल अभी भी जारी है। वहीं राजबाला व उनके पति होशियार सिंह का कहना है कि खेल ही उन्होंने बहुत कुछ पाया है और इसी की बदौलत वे आज भी खेल रही हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राजबाला। राजबाला जी, कब से आपने, आज महिला दिवस है, क्या कहेंगी आप महिला दिवस के ऊपर? महिला दिवस के ऊपर मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके लिए हमारा खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भाग लेंगे कहीं तो हम बीमारियों से छूटे रहेंगे। मेरे को भी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी को ठीक करने की वजह ही खेल है। उस बीमारी को फैलने नहीं दिया, खेल की वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। इलाज के बाद भी मैं घूमती फिरती रही, खेलती रही, बाहर तो नहीं जा सकी, पर मैं 2 साल से खेलने भी लग गई हूँ और फिर मेरी पोजीशन स्टार्ट हो गई है। 2018 में तीसरी पोजीशन आई मेरी और अब मेरी, पहले मैं फर्स्ट आया करती, रिकॉर्ड बनाया करती, उसके बाद मैं डाउन हो गई, उसके बाद ही मैं फिर खेलने लगी। अपनी बार मेरी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन दो आई और पहले मैं फर्स्ट आया करती। ये सारा खेल, ये खेल का है। शुरुआत आपने कब से की? खेल को भाग दौड़ के इलाज करवाया मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल में सारा पूरा, और इलाज के बाद मैंने ये बीच में मेरा ड्रॉप हो गया क्योंकि मैं आपने एशिया में भी रिकॉर्ड बनाया। हाँ, एशिया में रिकॉर्ड हैमर में बनाया 1998 में, और 99 में मैं इंग्लैंड गई और 2000 में फिर ये इसमें हुए बेंगलोर हुए, फिर मैं 2004 में फिर बैंकॉक गई। अपने ये के ये मेडल सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड बरकरार रखे, खूब मेहनत करी क्योंकि प्लेयर और भी आते हैं सब, तो मेरे फर्स्ट नहीं आए पर हैमर में मेरा रिकॉर्ड बनाया, टूटा नहीं आज तक।
क्या कहेंगी आप, किस तरह से पूर्ण मिला? मैंने अपने मेरे बच्चे पढ़ा करते, मैं स्कूल में टीचर थी और ये इनके पापा जी मेरे को मना नहीं करते थे खेलने के लिए, साथ भी देते थे, सुबह साथ जाते थे, वक्त जाते हम दौड़ लगाते स्टेडियम में, कोचों ने भी मेरा पूरा साथ दिया, सुबह सर कोच होया करते, वो भी बहुत वो कराया करते मेहनत, कंधे मैडम खेलो खूब, मैं खूब खेली, सब कोच मेरा साथ देते थे, सब बच्चे साथ देते थे स्टेडियम में, जो बच्चे होया करते वो भी आंटी जी न्यू फेंको ये फेंको वो करो, मैंने किसी प्रकार का संकोच नहीं था खेलने में। और महिलाओं दोबारा मैं पिछले साल तो गंगटू खेल हुए थे, वहाँ तो मैं गई नहीं क्योंकि इनकी आँख में को गड़बड़ हो गई, तेरे अंकल की आँख में, इसलिए नहीं जा पाई मैं, को इनकी आँख की गड़बड़ छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। उससे पहले साल हम दोनों गए थे, उसमें मेरी पोजीशन थर्ड आई, फिर मैं ये सोच के आई थी अब रोज़ प्रैक्टिस करके फर्स्ट आऊँगी आगे, फिर कोशिश करती हूँ। अब उसका मैंने सफलता मिली, अब की बार मैं सेकेंड भी आई थर्ड भी आई इस साल और मैं फर्स्ट भी आती, ये मेरे हाथ में थोड़ी सी सोजन आ गई टिक्का की वजह से, उन टिक्का लगा देते इस हाथ का झटका लगते हैं, डर लगा मैंने, नहीं तो मैं फर्स्ट भी आती रही, अमर में मेरी पोजीशन नहीं आई क्योंकि अमर में दोनों हाथों का सही होते ही थे, एक हाथ न्यू फेंक फेंक की जान तो है ही, शरीर ये कह रहा था कि तू जीते की फर्स्ट आएगी, और उसमें मेरी पूरी वार रही मत, सब ने मेरे को वो एक आया, अब 27 लेडीज थे, अब की बार मेरे शॉर्ट पुट में जो मेरी सेकेंड पोजिशन आई, एक मेरे से आगे रही है, मैं सेकेंड आई और बहुत बढ़िया खेली, सब ने न्यू कहा कि राजवाला फिर जीवित होगी, मको बीमारी ने मात दिया ही मको दिया ही, क्योंकि मेरे को सब जानते हैं शुरू से खेलती हूँ। शुरुआत करी 9th क्लास से शुरू किया था खेलना, 10th में खूब खेली, वॉलीबॉल की कैप्टन रही, हाई जंप 4 फुट 7 इंच हाई जंप करा मैंने, और शॉर्ट फुट डिस्कस से और ये कबड्डी ये खेल खेला करती, और उसके बाद मैंने शादी होगी, शादी के बाद मैं टीचर को नाम JBT करी, JBT में भी खेली, उसमें मेरे साथ प्लेयर अच्छे नहीं थे, ओपन में तो आगे पर टीम के साथ मेरा सहयोग नहीं बन पाया और खेल के आई खूब, उसके बाद में दोबारा टीचर टूर्नामेंट हुए उनमें भाग लिया, 2-3 साल में फरीदाबाद भी गई, रोहतक भी गई, कुरुक्षेत्र भी गई, मैं अपनी पोजीशन सिंगल इवेंट में सब इवेंटों में मैंने भाग लिया और उनमें मेरी पोजीशन आई, उसके बाद वो टीचर टूर्नामेंट बंद हो गए, उसके बाद मैंने 95 में ये खेल हुए मास्टर एथलेटिक्स में मैंने ज्वाइन किया ये, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन, उस पहले बार तो मेरी पोजीशन नहीं आई इतनी क्योंकि इतनी तैयारी नहीं थी, उसके बाद मैं 6th, 7th, 8th दिल्ली स्टेडियम में दोनों समय प्रैक्टिस करी खूब, सर्विस होते होते उसके मेरी पोजीशन है 98 में जापान गई, जापान में मैंने 3 मेडल लिए, एक एमर में फर्स्ट, शॉर्ट पुट में थर्ड और डिस्कस थ्रो में सेकेंड, ये तीनों पोजीशन मेरी बरकरार रही 3, 4, 5, 6, 7 तक, उसके बाद 8, 9 में तक खेली, 9 में मैं जयपुर गई थी, जयपुर के बाद मैं बीमार हो गई कैंसर की, घर का काम तो सभी को होता है, घर के काम के साथ साथ खेलों में ज़रूर अच्छा लेना चाहिए, बीमारियों से दूर रहती है, आजकल बीमारियों की कोई कमी नहीं है, अनाज ऐसा है उसमें मैं भी हुई हूँ बीमार पर ठीक भी हो गई, जरूरी नहीं है कोई बीमारी आ जाए तो जाए, सब बीमारियाँ जाती है मेहनत करने से, और मेरी बहन है मेरे से छोट बड़ी 5 साल, अब वो खेल के आई है संतरा दादरी, उसका घरवाला सुरेंद्र है, पोल वाल्ट में उसकी उम्र है 70 साल के करीब हो गया, 71 का 70 का पोल वाल्ट में फर्स्ट आया है, और मेरी बहन हर्डल करती है आज 68 साल की है, मेरे से 5 साल बड़ी है, 6 साल 5 साल और इतना हर्डल करी, उसकी वीडियो भी है आई है अखबार में भी है, बहुत अच्छा हर्डल करती है, कोई गोड्डा में दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, दोनों वैग जाते हैं, हम भी जाते हैं, और भी प्लेयर दादरी की बहुत जाती हैं। जब आपने शुरुआत की थी, मेरे पिताजी खुश रहा करते, कहते बेटी खेलो खूब खेलो और खूब खेलोगी तो ठीक रहोगी, क्योंकि वो वॉलीबॉल खिलाने स्कूल में कई बार जाया भी करते थे, वो भी टीचर थे, जाते थे बताते थे, मेरी बड़ी बहन भी इतनी तो नहीं थी पर वो भी खेल लिया करती, मेरे से छोटे वाली अच्छी प्लेयर बनी, पापा जी का साथ रंधा हमारे साथ, जो मेरे को पता तो लग गया, मेरे बड़े बेटे की शादी थी, छोटी सी गांठ मन में महसूस हुई पर मैंने उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं खेलती रही, उसको मैं देख लेती भाई छोटी सी गांठ है पर माँ को हो गया होगा, उसके बाद ये मेरी बड़ी बहू ने बोली मम्मी इसको दिखाओ इस गांठ को, आप वो दिखाई तो ये डॉक्टर है यादव इसके गई थी, इसने चेक करी, उन्हें बोला कि मैडम ये तो आपको कैंसर है, आपको कैसे कैंसर हो गई, दो एक और यादव AEO आया करता जो मैंने टीचर
थी जब ले जाया करता खेलना, वो नहीं बोला, वो बैठा था पास में उसके उस समय, नहीं बोला कोई मैडम आई थी लंबी सी, उसको तो कैंसर है, वो नहीं बोला राजवाला नाम है उसका, नहीं बोला वो राजवाला नहीं हो सकती बीमार, क्योंकि अभी मैंने गोलिया ही नहीं इस चीज तरफ। फिर उसने यादव ने, मैं अकेली गई थी, पूछन यादव ने मेरे को बता दिया, मैं घर आ गया अगले दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, राजीव गांधी ले गई। कितना समय आपका इलाज चला, किस प्रकार से आपने कैंसर से जीत हासिल करी? मैं उनने मेरी कीमो करी और ये शेक लगाए, सब कुछ करा, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मरूंगी, मैंने सोचा कोई बात ना हो जाएगी ठीक, कभी ये ख्याल ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं रखा कभी भी, सारे इलाज हुए उसके बाद मैं फिर ठीक होगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं मरूंगी। अपने मतलब हौसला पूरा था, घर परिवार का साथ भी था, मेरे बच्चे भी मतलब बहू भी आ गई, दो बहुएँ आ गई, एक बाद में एक इस लड़के ही बाद में शादी करी, एक की पहली होगी थी, वो बहू भी साथ दिया करती, आपको इन बात ना मम्मी ठीक हो जाओगे, सुनती तो थी मैं तो मर जाते हैं कैंसर में, फिर मुझको चलो जितने सांस उतने जीना, मरांगे तो मरांगे, जीवांगे तो जीवांगे, फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। बाद में बीच में तो नहीं कर पाई, 5-7 साल डरती मैं जाने कभी कैंसर हो जाए खेले मैं, क्योंकि आतूती लावगी ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा था। शार सिंह जी क्या काम करते थे आप? मैं बैंक में डेवलपमेंट अफसर रिटायर हुआ है, वो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। आपकी जीवन संगनी ने इतने मेडल जीते, किस प्रकार से आपने सहयोग किया, कैसे इनको प्रेरणा दी आपने कि खेलने जाए? इनके खेलने जाने के लिए जहाँ से भी छुट्टी इनको लेनी होती थी या इनका एडवांस लेके पैसा बाहर विदेशों तक 3 बार खिला के लाया, मैं इनको पैसा एडवांस दिया, चले खिलाना जाना सारे काम में करता था, इनकी सिर्फ छुट्टी थी खेलने की, ये स्टेडियम जाओ खेलो, मैं बैंक से आता था तो अपनी चाय बना के खुद पियो, इसकी जरूरत नहीं थी, इसका खेल की से डिस्टर्ब नहीं किया, पूरा सही हो गया, अभी तो खेल। अब कैसा महसूस हुआ जब आपको जब ये मेडल लेके आते थे? बहुत बढ़िया, खुश रहा करते, मैं साथ रहा करता इंडिया की टीम में, मैं बाहर विदेश में 3 बार गया हूँ, थाईलैंड भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया, इनके साथ गया हूँ, पूरी बैकअप करी हमने, खेलने में करी, पूरी मेहनत करी, पैसे लगवाए हैं रहे हैं, जहाँ भी इसको जाना था वो इसके साथ, बीच में खराब जीवन संगिनी जाने के कगार पर थी, कैंसर बहुत भयानक बीमारी, लेकिन चलो हौसला रखा हमने, फिर ठीक हो जाए फिर खेलेंगे, पिछले साल से इस साल ही 2 मेडल फिर ले आई है, फिर शुरुआत कर दी है जीवन की दोबारा से, नई सीरीज, अब कैंसर का भय खत्म हो गया।